नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, इसके अलावा 69वीं सिविल सेवा और TRE 3 को लेकर हम आपको अपडेट देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे 70वीं सिविल सेवा फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को लेकर। दो तीन दिनों से कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, OTP नहीं आ रहा और लगातार जो है छात्र परेशान हैं और उनका कहना है कि OTP आ ही नहीं रहा, ऐसे में हम फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे। तो आपको हम बता दें कि आज हमने संपर्क किया आयोग से और वहाँ जो हमें जानकारियाँ मिली उसके अनुसार ये प्रॉब्लम जो है वो पुणे से है। पुणे में जो CDAC है वहाँ जो कि सारे सर्वर का जो हैंडल करती है वहीं से ये प्रॉब्लम आ रहा है और संभावना है, आश्वासन मिला है वहाँ से कि आज जो है ये समस्या समाप्त हो जाएगी और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमने CC यानी कि सिविल सर्विसेज को सेलेक्ट किया और वो सेलेक्ट हो गया CDPO या फिर दोनों सेलेक्ट हो गया, यानी कहने का मतलब है कि वो CC डाले और CDPO भी हो गया जबकि CDPO के लिए वो योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसे में वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें, बहुत लोग पेमेंट भी कर दिए, बहुत लोग नहीं किए हैं। तो आपको हम बता दें कि जो हमें जानकारी मिली है इसको लेकर कि 4 नवंबर के बाद यानी कि जब फॉर्म फिलअप करने की तिथि समाप्त होगी उसके बाद जो है इस पर विचार करके उन लोगों को मौका दे दिया जाएगा कि वो इसमें सुधार कर सकते हैं। बता दें आपको कि फॉर्म जो है वो फिलअप करने की तिथि अभी तक बढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं है, 4 नवंबर तक को ही आपको अप्लाई कर लेना है। हमने संपर्क भी करने की कोशिश की कि क्या जानने की कोशिश की कि क्या फॉर्म फिलअप करने की तिथि में भी परिवर्तन होगा, क्या एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, तो जवाब मिला कि नहीं, अब देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समस्या है उसका हम जितने लोग फॉर्म भर चुके हैं उसका निराकरण बाद में करेंगे, लेकिन अब फॉर्म फिलअप करने का तिथि बढ़ने की संभावनाएं न के बराबर है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि डॉक्यूमेंट्स हुआ, कितने लोगों का कहना है कि हमने ग्रेजुएशन का डाला उसमें इंटर का चला गया, मैट्रिक वाले में इंटर चला गया, इंटर वाले में मैट्रिक आ गया, या फिर NCL जिसमें डालना था उसमें जो है कास्ट सर्टिफिकेट चला गया, अपलोड नहीं हो रहा है। तो बताएं आपको कि साफ साफ ये हमें जानकारी मिली है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं उन्हें आप कहें कि वो मेल कर दें, मेल करेंगे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम यहाँ पर एक एक मेल पढ़ते हैं, भले ही हम रिप्लाई ना करें, भले ही हम जवाब ना दें, लेकिन हम एक एक मेल देखते हैं और हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद इन सारे चीज़ों पर सुधार के लिए उनको मौका मिले। तो ये है कि 4 नवंबर के बाद भी आपको सुधार करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बता दें कि अभी के समय में ही सुधार करना और फॉर्म फिलअप करना इसके कारण सर्वर पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है और सर्वर स्लो भी हो जा रहा है। OTP का ही समस्या आप देख रहे हैं कि ये भी सामने आ रहा है। तो हमें जो जानकारियाँ मिली हैं उसके मुताबिक जो भी समस्या है 4 तारीख के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। आप आयोग को हर एक चीज़ से अवगत जरूर कराएं, उन्हें मेल जरूर कर दें। इसके अलावा बता दें आपको कि आज 69वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू समाप्त हो रहे हैं, आज जो है वो इंटरव्यू खत्म होगा और BPSC ने एक परिपाटी शुरू की थी कि इंटरव्यू के दिन ही, लास्ट दिन ही शाम तक रिजल्ट घोषित हो जाता था। 69वीं 68वीं में आपने देखा होगा कि छात्र इंटरव्यू देकर घर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि रिजल्ट जो है 69वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट छठ के बाद घोषित किया जाएगा, छठ से पहले घोषित करने की संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि साफ साफ हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत सारे काम बाकी हैं और इसे हम छठ के बाद ही घोषित करेंगे। तो 10 नवंबर के आसपास जो है वो 69वीं सिविल सेवा के फाइनल परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। इसके अलावा बता दें हम प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर इन दोनों का रिजल्ट जो है वो दीपावली के बाद घोषित किया जाएगा, छठ से पहले ये दोनों रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 37,000 के आसपास प्रधान शिक्षक और 6,000 के आसपास हेडमास्टर के लिए परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा के परिणाम जो हैं दीपावली के बाद और छठ से पहले घोषित किए जाने की सूचनाएं निकल के आ रही है। और आपको बता दें हम कि इसके अलावा जो है वो 4 तारीख जो 70वीं सिविल सेवा है, जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या फिर कोई समस्या है, फॉर्म आप अंतिम रूप से 4 तारीख से पहले सबमिट कर दें,
क्योंकि सुधार का मौका है। अब इस बार जो है फॉर्म फिलअप प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हो सकता है कि आपको सुधार का मौका मिले। ऐसी ही जानकारियां हमें निकल के आई है कि आप छात्रों को कहें कि निश्चिंत रहें, CDPO और CCE दोनों सिलेक्ट हो गया है, वो बड़ा बात नहीं है, हम एग्जामिनेशन के बाद जो है समय दे देंगे कि वो सुधार लेंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने पूछा कि गलत अपलोड हो गए हैं, फोटो के बारे में यही जवाब था कि देखिए एडमिट कार्ड के समय हम तो जिनका फ़ोटो नहीं सही रहता है उनको बोलते ही हैं कि दो फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड और ये सब जो है अपना लेकर आएँ, लेकिन बावजूद इसके वो मेल जरूर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में जो हो गया इधर उधर उसको लेकर भी है कि आपको मेल करना है। तो आपको हम बता दें कि जितनी भी समस्या थी छात्रों की, और इसके अलावा TRE3, सबसे महत्वपूर्ण TRE3 रिजल्ट बता दें, TRE3 रिजल्ट को लेकर आज तक BPSC के पास शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया रोस्टर नहीं मिला है, और इस कारण आयोग जो है वो चुप है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि कब तक रिजल्ट देंगे। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर रोस्टर हमें मिल जाएगा तो हम 7 से 10 दिन के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने की पूरी कोशिश करेंगे, कर ही देंगे। तो TRE3 को लेकर बता दें कि रोस्टर नहीं मिला है, सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा गया था आज से 10-12 रोज पहले, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ी रही जिसे सुधारने के लिए पुनः भेज दिया गया शिक्षा विभाग में, लेकिन अब तक वो शिक्षा विभाग से GAD को नहीं मिला है, और GAD से मिलने के बाद BPSC को भेजा जाएगा, और BPSC का कहना है कि 7 से 10 दिन के अंदर में हम रोस्टर मिलने के बाद रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि नवंबर का महीना जो है रिजल्ट का महीना है, 69वीं सिविल सर्वेंट का फाइनल रिजल्ट, प्रधान शिक्षक हेड मास्टर का फाइनल रिजल्ट, TRE3 का फाइनल रिजल्ट, ये सारे जो हैं वो नवंबर में घोषित कर दिए जाएंगे। तो यही अपडेट मिला है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो 70वीं सिविल सेवा के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पेशेंस रखें, आपका OTP का प्रॉब्लम जो है आज पूरी संभावना है इसे सॉल्व कर लिया जाएगा, ये आयोग से प्रॉब्लम नहीं है, ये पुणे में जो CDEC की कंपनी है जो कि पूरे देश में सर्वर का जो है वो कंट्रोल करती है, देखती है, उसे वहीं से प्रॉब्लम है, और रिजॉल्व करने के लिए वहां पर जो है आयोग लगातार लगा हुआ है, बहुत जल्द ये समस्या समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आप आराम से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो फिलहाल यही जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।